नमस्कार दोस्तों, एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया है और गोदी मीडिया यानी कि बीजेपी की चाटुकार मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं ये जतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमजे अकबर तो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर दबाव डाला जिसके चलते एमजे अकबर को इस्तीफा देना पड़ा। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि ये गलत है, सरासर गलत है और न सिर्फ गलत है बल्कि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपकी होश उड़ा देगी। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, अगर वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमजे अकबर के इस्तीफों को लेकर गंभीर थे तो इस वक्त जो विदेशी यात्रा पर थे एमजे अकबर, उन्हें विदेशी यात्रा बीच में रोककर उन्हें बुलाया जाना चाहिए था मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब देखा कि यह मामला इतना उग्र हो गया है और न सिर्फ उग्र हो गया है बल्कि कम से कम 20 पत्रकार, 20 महिला पत्रकार सामने आ गईं जो कि एमजे अकबर पर आरोप लगा रही थी सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और मेरे सोर्सेस बता रहे थे कि इनमें से दो ऐसी महिला पत्रकार थीं जिन्होंने कहा कि हम जब एमजे अकबर से मिलने गए तो एमजे अकबर उनसे मिलने जब आए थे उन्होंने सिर्फ उनकी चड्डी पहनी हुई थी। कितनी शर्मनाक बात है। और जब ये बातें सार्वजनिक होने लगी तो सरकार के लिए शर्म का सबब बनने लगी जिसके चलते एमजे अकबर ने इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई जा रही है, सरासर गलत है। गोदी मीडिया आपको झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो होश उड़ा देगी। मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये मीटू आंदोलन सामने आया था दोस्तों, उस वक्त क्या हुआ था कि महिला बाल कल्याण मंत्री जो हैं मेनका गांधी, उन्होंने कहा कि ये तमाम जो मीटू मामले हैं, खासकर जो हाई प्रोफाइल मामले हैं, इसमें उन्होंने गठन किया 4 रिटायर्ड जजेस की खंडपीठ का, यानी कि 4 रिटायर्ड जजेस इन मामलों की जांच करेंगे। मगर क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि नहीं, 4 रिटायर्ड जजेस इसकी जांच नहीं करेंगे, इसकी जांच राजनेता करेंगे। अब आप खुद सोचिए, जब आरोप लगेंगे राजनेताओं के ऊपर, खासकर सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों के ऊपर, तो सरकार के ही मंत्री क्या खाक उस बात की जांच करेंगे? आप देख रहे हैं किस तरह से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर 4 रिटायर्ड जजेस इसकी जांच करते तो आप सोच सकते थे कि मुद्दा कितना इंपैक्टफुल होता, वाकई लोग कटघरे में खड़े होते। मगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया कि नहीं, रिटायर्ड जजेस इसकी जांच नहीं करेंगे और जांच कौन करेगा? राजनेता करेंगे, सरकार में ही बैठे हुए मंत्री करेंगे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए मंत्री इसकी किस तरह की निष्पक्ष जांच करेंगे। यही नहीं, अब जो मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिव है। वो ये कि मेनका गांधी के पास जब उन्होंने ये फैसला किया था कि रिटायर्ड जजेस इस बात की जांच करेंगे, मेनका गांधी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था। उस फोन कॉल में उनसे कहा गया था कि आपको क्या जरूरत है इस तरह से समिति बनाने की? तो मेनका गांधी ने जवाब में दिया कि भाई मैं मंत्री हूं, ये मेरा काम है करना। तो क्या आप जानते हैं जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के उस दिग्गज ने क्या कहा था? अरे छोड़िए, ये जो महिला पत्रकार एमजे अकबर पर आरोप लगा रही हैं, इनकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। जिन शब्दों का इस्तेमाल उस शख्स ने किए थे मैं नहीं कर सकता, बहुत ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और फिर उन्होंने कहा, जानते फिर क्या कहा उन्होंने, कि ये जो मीटू आंदोलन है सिर्फ शहरों में, वो भी पत्रकारों तक सीमित है, साउथ दिल्ली तक सीमित है, साउथ मुंबई तक सीमित है, गोरखपुर में रहने वाली महिला या फिर आसनसोल में रहने वाली महिला का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो सोच है प्रधानमंत्री कार्यालय की महिला सुरक्षा को लेकर, और ये वो प्रधानमंत्री कार्यालय है या ये वो सरकार है जिसने हमें वादा किया था कि बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार याद है कि नहीं मोदी सरकार। मगर महिला सुरक्षा को लेकर, नारी सम्मान को लेकर लगातार क्या हो रहा है आपने देखा एमजे अकबर,
उसको लेकर खामोशी, संबित पात्रा कैसे भागते हुए दिखाई दिए थे, दौड़ा दौड़ा भागा सा। उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर, गैंग रेप का आरोपी, अब तक पार्टी के अंदर बना हुआ है। जिस मासूम का गैंग रेप हुआ था जम्मू के कठुआ में, बलात्कार के आरोपियों में बीजेपी के दो लॉ मेकर्स आए थे, तो ये सही मायने में चरित्र हो गया है संस्कारी पार्टी का। और अब गोदी मीडिया आपको यह स्पिन दे रहा है कि एमजे अकबर तो इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया तो प्रधानमंत्री के दबाव में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कृपया जनता को उल्लू मत बनाइए, नो उल्लू बनाएं। हकीकत यही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हकीकत आपके सामने है। अगर संजीदा होते तो उन्हें बीच विदेश यात्रा से वापस बुलाना चाहिए था, इस्तीफा लेना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और आप खुद जानते हैं कि जो समिति बनाई जानी थी उसको लेकर भी उसे कमजोर कर दिया गया है। जो मेनका गांधी की सोच थी, अब उसकी जगह राजनेता जो है वो जांच करेंगे। तो क्या खाक जांच होगी? आप खुद गौर कीजिए कि आपको कितने स्तरों पर मूर्ख बनाया जा रहा है। जय हिंद।